भावी प्रत्याशी अरशद अंसारी ने दी रोज़ा इफ्तार की दावत। कस्बे में अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। सहारनपुर तीतरो, आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से तीतरो नगर पंचायत अध्यक्ष पद उम्मीदवार अरशद अंसारी ने बुधवार की शाम निज़ाम पैलेस पर पवित्र माह रमज़ान के 27वें रोज़े पर इफ्तार की दावत रखी। इस अवसर पर कस्बे में अमन चैन खुशहाली तथा निरोगी की दुआ की गई। भावी प्रत्याशी अरशद अंसारी ने इस अवसर पर बाहरे और कस्बे से आए रोज़ेदारों से मुलाकात की और उन्हें तहदिल से रमज़ान की मुबारकबाद दी। अरशद अंसारी ने सभी कस्बेवासियों से अपील की, आप एक बार आने वाली 4 मई को केतली पर मोहर लगाकर मुझे आप सेवा करने का मौका दें, जिससे सभी लोगों का काम समय पर और तीतरो कस्बे में विकास कर सकूं। सर आज तीतरो में आप आए क्या प्रोग्राम? देखिए भाईचारा बनाने के लिए आज रोजा चार में मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से चेयरमैन के दोस्त चुनाव लड़े हैं उन्हीं के यहाँ रोजा चार पूरा क्षेत्र इकट्ठा था तो रोजा चार के लिए मैं क्या संभावना लग रही है आपको अरशद अंसारी यहाँ से प्रत्याशी? देखिए अरशद अंसारी जो मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेहनत करने वाला मदद करने वाला आदमी कभी हारता नहीं, वो हमेशा एक दूरी चलता है। सुनने में ये आ रहा था कि सपा रालोद और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन था, फिर अलग से प्रत्याशी उतारने का मकसद था। अब ये तो बात सवाल मुझसे ना है, ज़्यादा अच्छा ये आप अन्य पार्टी से जा सकते हैं। देखिए ये निकाय चुनाव ही हैं, छोटे चुनाव, हर व्यक्ति चाहता है कि वो चुनाव उतरे। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को संविधान अधिकार देता है, सब लोग उतरे, सब लोग अपने काम की क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं, देखेंगे रिजल्ट क्या रहता है। शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।